वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे जो बीएड सेकंड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम के रिलेटेड बड़े सारे बच्चे पूछ रहे थे जो कि नया नोटिस आया है उसका क्या मीनिंग है, और वो जो हमारे बीएड सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं इनके एग्ज़ाम जो हैं वो कैसे होने हैं, क्या उनका पैटर्न है। तो मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि पहले यूनिवर्सिटी ने बोला था कि हम सेकंड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम लेंगे जैसे एज ए रेगुलर हम पहले एग्ज़ाम लेते थे, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से या कुछ जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की कमी से यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि आपके जो पेन पेंसिल वाले एग्ज़ाम थे, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम थे, वो एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब का एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन समझ सकते हो कि आप आधा ऑनलाइन समझ लो और आधा इसको एक दोनों किस्म का एग्ज़ाम समझो, ऑफलाइन भी समझो और ऑनलाइन भी समझो, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अब यूनिवर्सिटी ने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले ऐसा होता था कि आपको क्वेश्चन पेपर आता था, आप जाके एग्ज़ाम करके आ जाते थे। अब भी वैसा ही होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, आपने एग्ज़ाम लिखना है, वो एग्ज़ाम जो है शायद आपको अपने घर बैठ के लिखना है, लेकिन चेक यूनिवर्सिटी करेगी, ठीक है, और उसके बाद वाइवा भी होगा। तो मैं आपको बारीकी से इस चीज़ को समझा देता हूँ कि जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप दूर कर लो। पहला यहाँ पे पॉइंट है कि आपको पहले भी पता है कि आपके जो बीएड में जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 60 मार्क्स का रिटन जो एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है, और 40 मार्क्स की जो आपकी असेसमेंट होती है, तो वो 40 नंबर की असेसमेंट एज इट रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी जैसे आप पहले करते थे अपने कॉलेज में करोगे। आपके जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो सारे आप कंप्लीट करोगे, जो भी विजिट ट्रिप्स वगैरह हैं वो सारी कंप्लीट करोगे, ठीक है, और जो सेशनल हैं वो सारे होंगे, वो आपके सारे अपने अपने कॉलेज में अपना वो रिकॉर्ड आपको सबमिट करवाना ही है अपने प्रिंसिपल के पास जाके, ठीक है। वो आपको कॉलेज उसको चेक करेगा और उसमें 40 में से वो मार्क्स देगा। अब जो नेक्स्ट 60 मार्क्स रह जाते हैं, जो 60 मार्क्स पहले जिसका थ्योरी एग्ज़ाम होता था उसका एग्ज़ाम अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, एक हिस्से में 40 नंबर का और एक हिस्से में 20 नंबर का है। 40 नंबर में क्या होने वाला है कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आज से, ठीक है, लगा लो एक महीना, जो आज से जो नोटिफिकेशन निकल चुकी है ना, आज से एक महीने के अंदर क्या होगा, यूनिवर्सिटी एक टॉपिक, ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक जो है ना वो आपके कॉलेज को ईमेल करेगी, और आपका जो कॉलेज वाले हैं वो आपको अपना टॉपिक्स बताएंगे। आपने उस टॉपिक के ऊपर 1500 वर्ड का अपने पेपर शीट्स पे लिखना है, ठीक है। जैसे असाइनमेंट का क्वेश्चन आता ना एक, और आप अपनी असाइनमेंट बनाते हो, समझ लेना वैसे ही ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी भेजेगी आपके कॉलेज को हर एक सब्जेक्ट का, और आपने वो जो है टॉपिक अपनी शीट में 1500 वर्ड लिमिट में वो लिखना है, ठीक है। और लिख के क्या करना है फिर मैं आगे बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ उस टॉपिक की, जो ये टॉपिक आएगा ना ये एक बड़ा एक यूनिक टॉपिक आएगा, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऐसा टॉपिक भेजेगी कि आपकी उसकी कॉपी नहीं कर सकते कहीं पे, ठीक है। यूनिवर्सिटी उस टॉपिक को इतना घुमा फिरा के भेजेगी, ठीक है, कि वो ही बच्चा उस टॉपिक को लिख पाएगा जिसने अपना घर बैठ के अपने बीएड की पूरी तैयारी की होगी, ठीक है। यहाँ पे आके आपका इंटेलिजेंस चेक किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि एक सिंपल क्वेश्चन भेज देगी व्हाट इज़ दिस एंड दिस, और आप अपने घर में उठा के बुक्स खोलोगे उसे लिख लोगे या इंटरनेट खोलोगे वहाँ से लिख लोगे। यूनिवर्सिटी आपकी इंटेलिजेंस को चेक करेगी आप, कि जिस बच्चे ने जिस चीज़ को बेसिकली तरीके से पढ़ा होगा ना वही उसको कवर कर पाएगा। ये कहीं पर आप कॉपी करके नहीं लिख सकते कि आप कहोगे कि मैं इंटरनेट पर ये डालूंगा तो सामने निकल के आ जाएगा तो मैं वहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो बच्चों के टॉपिक सेम मिलते गए कि आपने कॉलेज में एक बच्चे ने टॉपिक लिख लिया था हम सब उसकी कॉपी कर लेंगे वो भी जाएंगे, ठीक है। तो ये करना आप ही को ही है, खुद ही करना है, और किसी को अगर बताओगे तो लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपका होता है बच्चों के आप असेसमेंट बनाते हो तो एक ने बनाई तो सबको दे दी तो सब ने कॉपी कर ली, यहाँ भी ऐसा काम किया तो फिर सोच सकते हो बाद में, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि आपने वो टॉपिक लिखना है,
आपके कॉलेज वाले एक ईमेल आईडी बनाएंगे, आपको घर बैठ के वो अपने टॉपिक की जो पीडीएफ बनानी है अपने कॉलेज को भेज देनी है। आपके कॉलेज वाले क्या करेंगे, उस पीडीएफ की सारी प्रिंटआउट निकालेंगे, प्रिंटआउट निकाल के जम्मू यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर में जाके उसको सबमिट करा देंगे और यूनिवर्सिटी की एक टीम बनेगी, जैसे एग्जामिनर होंगे, चेकर होंगे, और वो उसको चेक करेंगे और चेक करके ही उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बस ये फ़र्क है कि एग्ज़ाम वैसा ही है, पेन पेंसिल वाला ही एग्ज़ाम है, बस आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के लिखना पड़ता था, अब वो आपको घर बैठ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन लिखना एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही टॉपिक आएगा आपको बेसिकली, और इसी के ऊपर आपने सारा राइट आउट करना है वर्क। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने आपको दे दिया है कि आपका वाइवा वाइस होगा, ओरल वाइवा वाइस, ठीक है, 20 नंबर का। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी जो अब दिसंबर मंथ में कंडक्ट करवाएगी, अब उसने किस तरह से लेना है, ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है, मैक्सिमम वो ऑफलाइन ही लेंगे। यूनिवर्सिटी का कोई एग्जामिनर्स आ जाएगा आपके कॉलेज में, ठीक है, वो आप सब बच्चे के वाइवा लेगा, 20 नंबर का वो वाइवा होगा, और इस वाइवे के अकॉर्डिंगली ही आपके 60 मार्क्स में जो मार्क्स बनेंगे पासिंग और वो फेल मार्क्स, उसी के पासिंग मार्क्स वैसे के वैसे रहेंगे जैसे 23rd है 60 में से, तो ये आपको टोटल यहाँ से बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है, इनके सब बीएड जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो उनका बीएड का जो कोऑर्डिनेटर है डीडी में, वही प्रिंसिपल होगा, ये किस्म का एक्ट एज ए प्रिंसिपल। फोर्थ केस ये है कि जो बच्चे प्राइवेट हैं जिन्होंने प्राइवेट एग्ज़ाम देने हैं सेकेंड सेमेस्टर के, जो पहले एक बार दे चुके हैं और उसमें पास नहीं हो पाए, उनके लिए उनका वही कॉलेज एग्जामिनर एग्ज़ाम सेंटर वही कॉलेज रहेगा। ठीक है, अगर आप एक बच्चा ये कॉलेज में पढ़ता था वहाँ से वो पास नहीं हो पाया, तो उसका कॉलेज वही रहेगा, वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करे और उसी कॉलेज का जो वो एग्ज़ाम जो है वो वहीं पे देगा और अपनी शीट भी वहीं पे ही सबमिट करवाएगा, सब कुछ वहीं पे उसका करना है। तो ये मेन चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम इस वे से होना है। दो कंपोनेंट्स हैं यूनिवर्सिटी बेसिक ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो असेसमेंट है वो सेम वैसे के वैसे ही रहने वाली है। 60 में से 40 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपने अपनी शीट पे लिखना है 1500 वर्ड से ज़्यादा लिमिट में, अपने कॉलेज की जो ईमेल बनाएगी उस पर सेंड करना है, कॉलेज वाले उसको यूनिवर्सिटी में सबमिट कराएंगे, यूनिवर्सिटी वाली टीम बनाएंगे, टीम उसको चेक करेगी और मार्क्स देगी। इसके अलावा जो 20 मार्क्स रखते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले आएंगे, आपकी वाइस इंटरव्यू जो भी लेंगे, और बाकी इस तरह से होगा। प्राइवेट का स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ही कॉलेज में के साथ इन टच में रहें और वहीं पे अपना एग्ज़ाम दें, बस इतना सा है। ओके, थैंक यू।